नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। इसको समझने के पहले हमें यह बात जानना होगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फर्क होता है। राजभाषा का मतलब होता है देश के कामकाज की भाषा। कौन सा कामकाज? प्रशासनिक कामकाज। और राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? पूरे राष्ट्र की भाषा। जब लोग पूरी सहमति के साथ में किसी भाषा को अपनी मातृभाषा के तौर पर स्वीकार करते हैं पूरे राष्ट्र में, तब हम उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन राजभाषा क्या होती है? किसी देश के सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में लगभग 50 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। हिंदी उनकी मातृभाषा है। और लगभग पूरे भारत में 77% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को समझ सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी को हिंदी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हिंदी जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु नदी के बारे में सुना होगा। तो सिंधु को फारसी भाषा में आप कह लीजिए कि एक अपभ्रंश है जिसको हिंदी कहा गया। लोगों को सिंधु की जगह हिंदू कहा गया और हिंदू लोग जो भाषा बोलते हैं उसे हिंदी के नाम से जाना गया। इसकी जानकारी आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 5 में भी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा क्या सिर्फ भारत में बोली जाती है? जी नहीं, 10 करोड़ लोग भारत देश के अलावा पूरे विश्व में ऐसे भी हैं जो हिंदी को बोलते हैं, अपनी मातृभाषा के तौर पर समझते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज 14 सितंबर है, यानी कि हिंदी दिवस। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर जाना जाता है। 10 जनवरी को हम क्या करते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? 10 जनवरी 2006 से भारत सरकार ने यह घोषणा की विश्व हिंदी दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाए। अब ये विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों का उद्देश्य क्या है? क्या दोनों के उद्देश्य अलग अलग है? जी नहीं, दोनों के उद्देश्य एक ही है, हिंदी भाषा को प्रचारित करना, प्रसारित करना। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए कुछ रोचक तथ्यों के विषय में। मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में लिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं शैम्पू, आपको जान के आश्चर्य होगा ये हिंदी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा में एज इट इज ले लिया गया है। इसके अलावा खाकी, अवतार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा से लिए गए हैं। कर्म, ये भी एक शब्द है जो हिंदी से लिया गया है अंग्रेजी भाषा में। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं। आप जब पढ़ेंगे, आपको जब जानकारी मिलेगी, तो आपको बात खबर होगी कि ये तमाम शब्द हिंदी से अंग्रेजी भाषा में लिए गए हैं। अगर कोई भाषा है जो अपने आप को संस्कृत भाषा का प्रत्यक्ष वंशज कह सकती है, तो वो सिर्फ हिंदी भाषा ही। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, तो आप क्या कहेंगे? कैसे? हमारा जो मुख है उसकी शुरुआत होती है हमारे कंठ से और धीरे धीरे बाहर आते आते हमारे मुख का अंत हो जाता है हमारे होठ पर। अब आप गौर कीजिए हिंदी भाषा की 12 खड़ी के ऊपर, अनाराम के ऊपर। अगर आप क से लेके ग तक की बात करेंगे, तो क ख ग घ वाली जो लाइन है वो कंठ व्यंजन कहलाते हैं। जब आप क ख ग घ बोलते हैं तो आपके कंठ का उपयोग होता है, आपकी जीभ का, आपके दांत का, आपके होठ का और आपके तालव्य यानी तालू का नहीं होता। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जब आप क ख ग घ के बाद आगे बढ़ेंगे तो तमाम लाइनें आएंगी, जैसे कि च छ ज झ। इसको बोलते समय आपकी जीभ जो है वो तालू को टच कर रही है, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ट ठ ड ढ न, ये च छ ज झ वाली लाइन के पहले आते हैं। इन्हें भी जो है आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कंठ से हम बाहर होठ की तरफ आ रहे हैं। दंत व्यंजन कौन से कहलाते हैं? त थ द ध न। इसमें क्या हो रहा है, हमारी जीभ जो है वो दांतों को छू रही है, इसलिए इन्हें दंत व्यंजन कहा जाता है। प फ ब भ म, ये जो है ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सिर्फ एक, मैं हिंदी का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा था कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी डी में ए पहले क्यों आता है, जेड से भी तो शुरुआत हो सकती थी, तो मुझे नहीं पता कि आपके पास इसका जवाब है या नहीं है। लेकिन अब से और अब से पहले अगर आपको इस बात की खबर होगी, जानकारी होगी, तो तब से आपको ये बात का जवाब पता हो जाएगा कि हिंदी में क पहले क्यों आता है और ज्ञ पहले क्यों नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। मैं चाहता हूं कि आप हिंदी भाषा में कमेंट करके अपनी राय हमारे सामने रखें। आप सभी को मेरी तरफ से राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।